ओके, तो आज हम आप जो है डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस पे। तो इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को क्लियर करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है, स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है कि जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो मूव कर रहा है जो है, तो मोशन करते करते वो कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गया, उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। और वो कब होगा, जबकि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, तो कार में जब तक ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तब तक वो कैसे स्टॉप होगी, या तो इंजन बंद कर दिया जाए तब भी उसमें एक रिटार्डेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब इंजन सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब इंजन उसे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है अभी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक कार है, ओके, और कार इस तरह से पावर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर इसकी वेलोसिटी है। तो आपको ये बताना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं हम कि कुछ तो भी यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही आपने इसे ऑब्जर्व किया तो आपने पाया कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट्स यू, और पॉइंट ए पर आपने इसे देखा, फिर आपका ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका ये रहा कि किसी पॉइंट बी पर, बी पॉइंट पर आकर के ये स्टॉप हो जाती है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी एस। डी एस मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो अगर आपको इतना तो आपको पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ देखा और यहाँ आकर रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, इसका जीरो, बिल्कुल आपका वही जो पहला डायग्राम है जिससे आप सारे डेरिवेशन करते आए, पॉइंट ए पॉइंट बी ऑब्जेक्ट चला, तो आप मान लेंगे कि ए पर उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, और बी पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, रेस्ट पर आ गया बी पर जाते जाते, ओके। तो ये रहे कंडीशंस। तो अब आप देखें, तो यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हम आप अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, यहाँ यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू। अब हम आप मान लेते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ए, लेकिन ये तभी स्टॉप होगा जब इसमें इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस माइनस ऑफ ए, मतलब इसमें क्या आए, रिटार्डेशन आए। तो और एस के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डी एस हमने लिया। तो अगर हम पहले से ही यहाँ पर क्या ले लें, माइनस ऑफ ए, तो ये हो गया डी एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू ए। तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद, अगर उसकी अब ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट यू इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, 20 ऑफ होल स्क्वायर अपान 2 इंटू माइनस 2 अपान 2 इंटू, अच्छा यहाँ पर हमने माइनस 2 रख के ही इसको लाया, तो ये हो जाएगा जो है, मतलब अगर हमने यहाँ माइनस नहीं रखा है तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय ये 20 क्योंकि ये जा रही है, और ये रिटार्डेशन, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ अब ऑलरेडी पहले से माइनस होगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 400 अपॉन 2 इंटू 2, और ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 400 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, और ये आया 100, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 मीटर।
अगर इस कार में कार की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो और ये इसमें रिटार्डेशन जो आए वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ जाए तो ये 100 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी। यही है इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब एक आता है कि रिएक्शन टाइम, हालांकि कई तरह से इसे जाना जाता है कि या तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम बाद ये रुकी, लेकिन वहाँ पर आपको क्या बता के रखेगा, डिस्टेंस बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा, डिस्टेंस बताया गया होगा। ओके, तो वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कैसी सिचुएशन दे रही है आपको। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। आप याद रखेंगे अगर यहाँ आप पहले से माइनस लेंगे तो वहाँ आपको माइनस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस में माइनस ला रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइनस के साथ रखेंगे, आंसर पॉजिटिव मिले, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए हमें पॉजिटिव आंसर लाने के लिए ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो है, जो हमें आपको ऐसा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए जिसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम, तो ये हो गया, नेक्स्ट हो गया रिएक्शन टाइम। तो जो रिएक्शन टाइम है, ऐसा हम मान लेते हैं कि टाइम निकालना कि कैसे निकला टाइम निकाल, मान लीजिए कि कोई एक बॉल है जो आपने यहाँ पर ऐसे होल्ड करके रख रखा है, जो है मतलब कोई एक बॉल है आपने होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा है, और फिर आप वहाँ से इसको रिलीज करते हो, छोड़ देते हो, तो बॉल गिरा और यहाँ पर आपका ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कई फ्लोर की, उसके ऊपर वाले मतलब 6 फ्लोर पे आपका फ्रेंड है, वहाँ से उस बॉल को ड्रॉप करता है और आप 3rd फ्लोर के इधर हो और उसे ऐसे पकड़ लेते हो जो है, मतलब कैच करते हो। तो ये आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना टाइम लगा। अब अगर ये हो, पता हो आपको कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आपने इसको क्या किया, कैच कर लिया, यहाँ से इसको क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। तो जो रिएक्शन टाइम मतलब जो ये आपने होल्ड किया, मतलब कितने टाइम बाद आप इसे कैच कर लोगे, तो फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू या H इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो A के प्लेस पर यहाँ क्या आ रहा है, यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। H यहाँ हाइट है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर H के प्लेस पर हम D ले लें, जैसे कि यहाँ D दिखा रहा है कि D डिस्टेंस के बाद D, तो ये हो गया D इज इक्वल्स टू, सिंस यू हियर U इज इक्वल्स टू जीरो, U इज इक्वल्स टू जीरो, मान लेते हैं कि जो टाइम है वो क्या है, T टाइम लगता है, तो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो माइनस वन बाई टू। और डिस्टेंस अगर इसको बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर देखा जाए, तो जब यहाँ से ड्रॉप किया गया ये नीचे आया था, ये किधर जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, किधर जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तभी तो हम जी को नेगेटिव ले रहे हैं, बिकॉज जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। बस नेगेटिव वाई डायरेक्शन के कारण हम इसे क्या लेते हैं, हमेशा माइनस जी लेते हैं जो है एक्सेलरेशन। तो इसीलिए यहाँ मैंने ए इज इक्वल्स टू माइनस जी रखा, तो ये हो गया माइनस डी और जीरो, ये माइनस वन बाई टू, और ये हम क्या ले सकते हैं, टेन इंटू टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे जी टी स्क्वायर, और माइनस डी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू डी बाई जी, और टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर टू डी बाई जी। और अगर हम यहाँ पर H ही रखते हैं कि ये H है,
अगर हम इसे क्या ले लें कि ये h है, तो यही टाइम क्या आएगा, t इक्वल टू रूट ओवर 2h अपान जी, क्या आ जाएगा 2h बाई जी। ओके, तो ये फार्मूला ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर ड्रॉप किया जाए फ्री फॉल, तो कितने टाइम बाद वो इस हाइट तक आएगा। अब हाइट कितना हो, 20 हो, 40 हो, कुछ भी हो, इतने हाइट तक कब आएगा, टी इज इक्वल रूट ओवर 2h बाई जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्केल है आपके पास, बड़ा सा स्केल है, आपने होल्ड कर रखा है, और आपका फ्रेंड भी यहाँ पर है, बस उन्होंने उसको पकड़ा नहीं है, जो है मान लीजिए कि ऐसा आपने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप किया और दोनों के हैंड इस तरीके से हैं, जैसे ही आपने ड्रॉप किया और यहाँ से उसने कैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया, तो अगर ये डिस्टेंस भी क्या हो, डी एस हो, तो बिल्कुल क्या आएगा, फार्मूला यही आ जाएगा, टी इज इक्वल टू रूट ओवर डी 2d बाई जी। तो ये होता है। अब अगर इसमें हम मान लें कि जो स्केल था वो कुछ बिल्कुल स्केल मेजर्ड है, मैं उस पर मेजरमेंट तो होता ही है, स्केल पे सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए कि आप जो ये स्केल गिरा और वो केवल 21 सेंटीमीटर नीचे आया, कितना 21 सेंटीमीटर नीचे आए, तो आप रिएक्शन टाइम जो निकालेंगे 2 × 0.21, मतलब डी की वैल्यू कितनी, 21 सेंटीमीटर और 0.21 मीटर अपान जी, जी की वैल्यू 9.8 ले लिया, आप सॉल्व करेंगे तो नियरली इक्विवेलेंट टू, ये जो इसकी वैल्यू आएगी 0.2 सेकेंड आएगी, मतलब टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड, नियरली इक्विवेलेंट टू, है ना, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा जो है। ओके, तो ये रहा आपका जो है एक टाइम निकालना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें तो न्यूमेरिकल सामने आने पर ही क्लियर होती हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये बताया जा रहा है जो है। अब जब न्यूमेरिकल सामने आएंगे तब सिचुएशन, उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूले कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अब हम आप डिस्कस करते हैं जो है रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम आप डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कि क्या है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, तो बहुत ही सिंपल है रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप इसे देखें ध्यान से तो आपको जो है ये जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट देखा जाता है, आईआईटी जेईई का तो सबसे बड़ा एक तरीके से आप समझिए हर क्वेश्चन में रिलेटिव आ जाता है और न्यूमेरिकल काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाता है जो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक समझ है, क्योंकि आप वेलोसिटी जानते हो, अब यहाँ एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो है, तो आइए उसे हम लोग समझते हैं जो है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी, तो जो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हम आप मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे तीन ऑब्जेक्ट हैं, ये दो और इधर एक, ये हो गया ए, ये ऑब्जेक्ट है बी और ये वाला ऑब्जेक्ट है सी। ओके, अब आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, आप बिल्कुल क्लियर कट देखें ध्यान से, हम आप ये मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए एंड द वेलोसिटी ऑफ बी इज वी वी सेम डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ सी इज वी सी इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, वी ए वी बी एंड वी सी, तो हमने ऐसा देखा,
अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि पहले हम आप एक एग्जांपल लेते हैं जो है, फिर इस हम इस पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी हम आप ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ पर फील करते हैं बहुत अच्छे से, जैसे कि हम लोग ट्रेन में मूव कर रहे हो जो है, और ट्रैक डबल ट्रैक हो और एक ट्रेन इस ट्रैक पे हो, दूसरी वाली उस ट्रैक पर हो, और दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रही हों, और हम विंडो वाली सीट पर एक पर आप हो एक पर आपका फ्रेंड हो, तो जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको आप दोनों लोगों को लगता है कि ट्रेन चल ही नहीं रही है। जब आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि ये ट्रेन क्या है, बिल्कुल रेस्ट पर है, लेकिन ट्रेन दोनों ही चल रही है बट सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन। ये ऐसा क्यों लगा? क्योंकि दो जो रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू टू योर फ्रेंड वो क्या है, जीरो है, इसलिए आपको ऐसा फील हुआ। अब देखिए, मान लीजिए आपकी ट्रेन 30 से चल रही हो, 30 किलोमीटर पर आर से, और उधर से आने वाली ट्रेन क्या चल रही हो, आने वाली जो ट्रेन है वो किधर से 40 किलोमीटर पर आर से जा रही है, तो आपको ये ट्रेन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत स्पीड से जा रही हो। उसकी वजह क्या है? रिलेटिव स्पीड। आप उसे एक रिलेटिव मोड में देख रहे हैं जो है, जबकि इसकी स्पीड कितनी है, 40। या अगर आपकी स्पीड आपके ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आर, इसकी भी 30 किलोमीटर पर आर हो, लेकिन आपको 30 ना दिख कर ये कितना दिखेगा, 60। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कैसे आखिरकार ये होता है जो है, हम आप ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली बात कि आप ये जान लें कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू, तो आप इसे बताएंगे ये है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मीन्स होता है वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, रिलेटिव टू बी तब भी यही आएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए ये हो जाएगा वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। बस आपको इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है, और एक ट्रिक और है, एक कॉन्सेप्ट और है, वो ध्यान में रखना है, बाकी रिलेटिव ऐसे ही, ये एक समझ है, सोच है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो बस ये क्लियर हो गया, और ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये कभी याद नहीं होता जो है, क्योंकि ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है जो है। तो आइए देखते हैं जो है, यहाँ पर हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं। एक है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो है। तो अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप तुरंत लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आइए हम आप इनका क्या ले लेते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जो है। जैसे मैंने मैग्नीट्यूड के लिए क्या ले लिया, इसको ले लिया 30 किलोमीटर, चलिए मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, क्या ले लिया 20 मीटर पर सेकंड, और ये वी सी इज इक्वल्स टू ले लिया हमने 15 मीटर पर सेकंड, ओके, क्या ले लिया मैंने 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 15 मीटर से ये लेफ्ट साइड और ये दोनों किधर, राइट साइड, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब कि आप इसे फील कैसे करेंगे, आखिरकार ये एक फीलिंग है तो फील कैसे करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, बी के, तो बस अपने आप को आप बी वाले ऑब्जेक्ट पे रख दो, तो बी आपके लिए क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। अब आप किसको देखेंगे, ए, अगर ए की वेलोसिटी कम होगी तो ये कंटिन्यू किधर, पीछे दिखेगी, मतलब पीछे होती जाएगी, और अगर इसकी वेलोसिटी आपके
आप जिस पर अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, वो उसके आगे जाती दिखेगी, मतलब आपका रेस्ट पे है और वो क्या होगा, उस वेलोसिटी से जाएगा। देखिए कैसे फील करेंगे आप। तो यहाँ से वी ए बी इजिक्वल्स टू क्या हो गया, वी ए कितनी हो गई 30 माइनस वी बी कितनी 20, ये आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जब आप किस पर होंगे, इस पर होंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये रेस्ट पर है और ये आपको 10 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रही है, आपकी तरफ आ रही है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल इक्वल पोजीशन पर आएगी, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, यही कितने से 10 से ज़्यादा होगी। चल आप भी रहे हो, लेकिन आपके लिए आपका जो आप जिस ऑब्जेक्ट बी पे हो तो वो क्या है, रेस्ट पर है, मतलब आप जहाँ खड़े हो वो आपको कैसा दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा। ओके, जैसे कि आप इस पर ऐसे खड़े हो, मान लीजिए आप इस पर इस तरीके से खड़े हो, तो आपके लिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये क्या है, रेस्ट पर दिखाई देगा, और जो वो चल रहा है वो कैसा दिखेगा, मूव करता हुआ, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 10 से, है 30 लेकिन आप भी 20 से चल रहे हो, इसलिए क्या रिलेटिव स्पीड कितनी निकली 10 मीटर पर सेकेंड बट इन योर डायरेक्शन, मतलब आपके ही डायरेक्शन, इधर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो है। ओके, तो ये हो गया जो है, इसका मतलब आपको ये उस 10 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करती हुई दिखाई देगी, मतलब आपके तरफ आती हुई। ओके, और थोड़े टाइम बाद क्या कैसा फील होगा कि वो आपसे 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रही है, मतलब आगे निकल रही है, या आप खुद उससे 10 मीटर पर सेकेंड से किधर पीछे जा रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं आपको दे दूँ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी कितनी हो गई 20 माइनस ये कितनी 30, कितना आ गया ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब आप जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, आप अपने आप को उस पर स्टैंड करोगे, खड़ा कर लोगे, मतलब आप उस पर खड़े हो, तो अब जब आप ए पर खड़े हो जाएंगे तो आपको ए क्या दिखेगा, रेस्ट पर, और बी क्या होगा, बी का मोमेंट आप देखोगे, तो जो बी का मोमेंट है वो कैसा है, माइनस 10। आपको क्या लगेगा कि ये बी ऑब्जेक्ट बी आपसे कितना माइनस 10 से किधर जा रहा है, पीछे, माइनस का मतलब पीछे जा रहा है जो है। ओके, ये अगर आप यहाँ रहोगे तो ये इससे क्या होगा, पीछे जाता दिखाई देगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपसे ऐसे पीछे जाता दिखेगा जो है। अब आते हैं इसके लिए, बात करते हैं, अगर हम आप बात करें किसकी, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी, सिंपल आपके लिए क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज वी ए माइनस वी सी, वी ए की वैल्यू कितनी 30 माइनस इसकी कितनी 15, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आपको एक डायरेक्शन तो भी पॉजिटिव माननी पड़ेगी, जैसे कि हमने इधर जाने वाली सारे ऑब्जेक्ट के या सारे कार सारे ट्रेन जो भी आप कंसीडर करें उसका मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो उसके अपोजिट में जाने वाली जितनी भी होंगी सबका क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जो ये 15 से जा रही है ये क्या होगी, माइनस ऑफ 15, तो ये हो गया 30 माइनस माइनस प्लस ये 15, ये हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो अब आप कहाँ खड़े हो, सी पर, आपको ए कैसा दिखाई देगा, मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट सी, देन यू विल सी और यू कैन सी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 45 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आप यहाँ खड़े हो तो आपको ये कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये इधर से अप्रोच करके ऐसा जा रहा हो तो ये किस वेलोसिटी से आपको दिखाई देगा 45, लेकिन इसकी रियल वेलोसिटी कितनी है 30। वही ट्रेन वाली बात कि 30 से ये जा रही थी जिसमें आप बैठे थे और 30 से वो जा रही जिसमें आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो आपके फ्रेंड वाली ट्रेन आपको कैसे दिखेगी, 30 माइनस माइनस 30 कितनी 60, डबल स्पीड से दिखाई दे रही है,
ठीक है, क्योंकि उन दोनों की वेलोसिटी सेम है इसलिए डबल हो गया। अगर अलग अलग होती तो बस क्या होता है यहाँ पे प्लस करना पड़ता, जैसे ये 30 और ये 15, तो कितनी हो गई 45 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब आप किस पर हो, सी पर स्टैंड हो, तो आपको ए कैसी दिखाई देगी, 45 मीटर। अब 45 मीटर पर सेकेंड, अब इसी की बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कैसी दिखेगी। वेलोसिटी ऑफ सी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ सी इज माइनस 15 एंड माइनस ऑफ ये तो 30 है ही, यहाँ तो फार्मूले से माइनस आया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आई मीन वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन्स यू आर स्टैंडिंग एट ऑब्जेक्ट बी, सॉरी ए, आप ए पे खड़े हो तो आपको सी कैसा दिखेगा। अब ये सी किधर जा रहा है, आपके लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया जो है। ओके, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आप देखिए लास्ट रह गया सी का, अगर हम सी की बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी सी और बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ये बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो ये हो गया वी बी माइनस वी सी फार्मूले से, क्योंकि हमने वही फार्मूला देखा। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 20 पॉजिटिव, माइनस सी कितनी माइनस ऑफ 15, तो हमें क्या दिख गया प्लस 15 इज इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि आप किस पर स्टैंड हो, सी पर, तो आपको बी कैसा दिखेगा 35 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ, जो बाद वाला होता है आप उस पर स्टैंड होते हो। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को ही ऑब्जर्वर बना लीजिए और आप किसी जो बाद वाला ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ये इधर जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, उस पर आप स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए, और आपको बिल्कुल क्लियर कट रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आएगा। अदरवाइज रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है कि ये समझ में ही नहीं आता और क्वेश्चन क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ पाता। कभी कभी क्या होता है आंसर आप निकाल भी लेते हो लेकिन वो माइनस प्लस वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि ये माइनस, अब यहाँ पर दो ऑप्शन, चार ऑप्शन आए माइनस 45 प्लस 45 और दो अलग अलग ऑप्शन हो, तो अब आपके लिए क्या, अगर आपने गलत निकाला वो पॉजिटिव आ गया तो आप पॉजिटिव वाले को लगा दोगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जैसा कि मैं बता रहा हूँ जो है, तो फिर आपसे ये वाली मिस्टेक नहीं होगी, आप बिल्कुल एक्यूरेट बताओगे करेक्ट। तो आप कहाँ पर हो, सी पर हो, तो आपको बी कैसी जाती हुई दिखेगी 35 से। अब सेम एज अगर आप वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो ये वी सी माइनस वी बी होगा, वी सी की वैल्यू माइनस 15 माइनस ऑफ ये कितनी 20, तो कितनी आ गई माइनस ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि यू आर स्टैंडिंग एट ऑब्जेक्ट बी, तो आपको क्या देख, अब आप बी पे खड़े हो तो देखोगे किसको, सी को, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो सी किधर दिखेगी माइनस 35 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्लियर। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये छोटी सी चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर लोगे जो है, ऐसा सोच करके जो है। ओके, तो ये रहे आपके जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए, है ना, और इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल भी लेंगे, है ना, हम आप इस पर बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। अगर आप सोचिए कि इन्हीं सारी चीज़ों को आपको किस पर दिखाना हो, किसी ग्राफ पर दिखाना हो जो है ना, अगर आपको इन सभी चीज़ों को किस पर दिखाना हो, किसी पोजीशन टाइम ग्राफ पर दिखाना हो, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे जो है। तो देखिए
जैसे मान लीजिए कि हम आप इनमें से किसी एक एक पेयर को ले लेते हैं जो है, फिर इसको उसको ले लेंगे। अगर हम आप इसकी और उसकी बात करें तो जो ये होगा